हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अनबॉक्स रूम में फिर से एक बार। और मैं हूं राहुल। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम अपने वर्डप्रेस ब्लॉग में एक नए थीम को ऐड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, ये एक वर्डप्रेस का सीरीज चल रहा है जिसका बहुत सारा वीडियो आपको इस चैनल पे वर्डप्रेस प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने देखिए ये कुछ इस तरह का एक साइट बनाया था, जो कि इस तरह का एक ब्लॉग बनाया था पिछले साइट में। ये एक बाय डिफॉल्ट थीम आता है वर्डप्रेस की तरफ से। तो हमने वहाँ पर सिर्फ एक इंस्टॉलेशन के बाद बाद कौन सा सेटअप इम्पोर्टेंट स्टेज सेटअप करनी है वो वीडियो भी बना लिया है, उसे आप जाके देख सकते हैं। और भी बहुत सारा वीडियो है, उसे भी जाके जरूर से देख लीजिए। तो यहाँ पर हम आज थीम को इंस्टॉल और ऐड करना सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें जाना पड़ेगा पहले अपने अपीयरेंस सेक्शन में। अपीयरेंस में जाने के बाद हमें थीम का ऑप्शन मिलेगा, तो इसमें हमको क्लिक कर देना है। तो अगर आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल के बाद बहुत सारा थीम यहाँ पर मिलता है, तो उन थीमों को आप जो जो रिक्वायर्ड नहीं है उसे आप डिलीट कर दीजिए। तो इससे आपका जो होस्टिंग का स्पेस है वो फ्री रहेगा, तो आपका साइट का लोडिंग टाइम भी थोड़ा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये थीम हमने इंस्टॉल किया था, ये एक थर्ड पार्टी थीम है। तो इसे मैं अभी डिलीट कैसे कर सकते हैं ये अब मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आप जाके आपको डिलीट पे क्लिक कर देना है और ओके पे क्लिक कर देना है, तो ये थीम डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, एक ही थीम है जो कि हमें वर्डप्रेस की तरफ से मिला हुआ था। और अब हम जाके एक नया थीम को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर दोस्तों वर्डप्रेस की तरफ से हमें बहुत सारा फ्री थीम्स मिल जाते हैं, पॉपुलर लेटेस्ट फेवरेट, बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर। तो इनको मैं किसी और वीडियो में आपको पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेन करूँगा, और ये भी बताऊँगा कि आप कौन से वेबसाइट से जाके पेड और फ्री थीम डाउनलोड कर सकते हैं वर्डप्रेस के लिए। तो मैंने अपने डेस्कटॉप के एक फोल्डर में रखा हुआ है, तो मैं आपको अपलोड करके दिखाऊँगा। तो आपको अपलोड थीम पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ देखिए, ब्राउज का ऑप्शन में आपको आना है। और ये देखिए, ये मेरा डेस्कटॉप के टेम्प नाम के फोल्डर में मैंने थीम रखा हुआ है, नेचर मैग लाइट थीम है। तो इसको हम ओपन कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पर आ चुका है, इसे हमें इंस्टॉल करना है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये थीम इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें इसे जाके एक्टिव पे टिक कर देना है। तो यहाँ पर अगर हम इसे एक्टिव करेंगे, तो यहाँ देखिए, और ये जो पहले वाला थीम एक्टिव था ये इनएक्टिव हो गया है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम साइट को रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए कुछ इस तरह का हमारा साइट में दिख रहा है। और दोस्तों, इसके बाद के वीडियो में हम इसको कस्टमाइज कैसे करते हैं वो वाला चीज़ देखने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वो और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। और हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।